हमारे देश में दर्शन की 6 परंपराएं रही हैं। दर्शन की 6 परंपराओं में से एक परंपरा योग की परंपरा। योग की परंपरा के कई एक तत्व ऐसे हैं, कई एक ऐसे विचार हैं जो सांख्य दर्शन से मिलते जुलते हैं। आज हम आपको जो सांख्य परंपरा से जुड़े हुए विचार हैं और जो वास्तव में योग का सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं, तो उन जो संबंधित संपत्तियाँ हैं, जो संबंधित विचार हैं, जो योग से संबंधित हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। योग विश्व कैसे बना या अस्तित्व हमारा कैसे बना, अस्तित्व का निर्माण कैसे हुआ, अस्तित्व के विभिन्न संघटक कौन कौन से हैं, इनके विषय में कुछ विशेष तरह की मान्यताएं व्यक्त करता है कुछ। और ये सिर्फ मान्यताएं नहीं है, जैसे कि वर्तमान समय में कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ एक तथ्य ढूंढे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के विषय में, न्यूट्रॉन के विषय में, एटम के विषय में, है ना, लाइट एनर्जी के विषय में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड्स के विषय में, ऐसे ही अलग अलग जो लॉज ढूंढे हैं, ऐसे ही उन्होंने कुछ एक नियम ढूंढे। योग के अनुसार या संपूर्ण जो मानव अस्तित्व है या पूरे ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है, वह कैसे किन तत्वों से बना है और कैसे कैसे वह इसके जो विभिन्न तत्व हैं वो कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। समझना क्यों आवश्यक है? समझना इसलिए आवश्यक है कि जैसे कि आप रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, जैसे आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो मनोविज्ञान में कुछ आप सिद्धांत पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में भी कुछ एक सिद्धांत पढ़ते हैं, विभिन्न थियरीज पढ़ते हैं, तो ऐसे हमारे पास भी कुछ एक थियरीज हैं। और जैसे उन्होंने चीज़ों को देखा, लेबोरेटरी में प्रयोग किया, वैसे ही हमारे यहाँ भी जो योग के मनीषी हुए, योग के वैज्ञानिक हुए, जिसको हम लोग वैज्ञानिक शब्द का उपयोग नहीं करते थे पुरातन समय में, बल्कि हम उनको कहते थे ऋषि। उसमें कई एक कैटेगरीज हुआ करती थी, ऋषि, मनीषी, मुनि, संत, है ना, ऐसे कई कैटेगरीज हमारे यहाँ विद्वानों की, हमारे यहाँ जो दर्शन की परंपरा रही है ना, अध्यात्म की परंपरा रही है, अध्यात्म का जो एक अपना विज्ञान रहा है, और अध्यात्म के विज्ञान में योग समाहित है, उससे कहीं अलग नहीं है, है ना, योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ऋषि क्या करते थे? ऋषि वे होते थे जो कि किसी भी प्रक्रिया का साक्षात्कार कर लेते थे कि यह संसार कैसे बना, हम कैसे बने हैं, हमारा मन कैसे कार्य करता है, उनको हम बोलते थे ऋषि। तो ऋषि का मतलब जिसने कि दृष्टापन पा लिया। दृष्टापन आपने सुना होगा, दृष्टा एक शब्द होता है ना, दृष्टा, वैसे दृष्टा भी बोलते हैं, दृष्टा भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीयर, हालांकि इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है, है ना। तो दृष्टा हम उसको बोलते हैं जिसने सब कुछ स्वयं से देख लिया, जिसने सब कुछ स्वयं से देख लिया। अब स्वयं से देखना कैसे संभव होगा? तो दृष्टा वो होता है जो स्वयं से सब कुछ, दृष्टा का तात्पर्य यह होता है जिसने स्वयं से सब कुछ देख लिया। दरअसल हमारे यहाँ के जो ऋषि थे, हमारे यहाँ के जो मनीषी थे, हमारे यहाँ के जो मुनि थे, उन्होंने संसार को कैसे जाना जाए, मनुष्य को कैसे जाना जाए, मन को कैसे जाना जाए, प्रकृति को कैसे जाना जाए, इस पर बड़ा गंभीर विचार किया। एक कराद ऋषि हुए हैं हमारे यहाँ बड़े फेमस, तो उन्होंने एटम का विचार सबसे पहले किया। ऋषियों को, मनीषियों को, मुनियों को, उन्होंने जो विचार किया कि कैसे सृष्टि का रहस्य जाना जाए, मानव का रहस्य कैसे जाना जाए, मनुष्य कैसे बना ये जाना जाए, तो उसको लेकर के उन्होंने एक परेशानी महसूस की कि जब हम चलते हैं अपने आप को जानने, तो सबसे बड़ा बाधक होता है हमारा अपना मन, हमारा अपना खुद का अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब हमारी अपनी अस्तित्व के विषय में हमारी अपनी मान्यताएं, है ना। अस्तित्व तो बड़ा व्यापक शब्द है,
है ना। अस्तित्व में हमारी अपनी मान्यताएं भी आती हैं और हमारा अपना वास्तविक अस्तित्व भी आता है। तो अपने वास्तविक अस्तित्व को जानने के लिए, वास्तविक सत्य को जानने के लिए, दुनिया के सत्य को जानने के लिए हमें अपने से परे जाना होगा। अपने से परे जाने का मतलब जो हम अपने आप को मानते हैं कि मैं अमुक हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो जो ये सांसारिक मान्यताएं हैं, इंद्रियानुभव पर आधारित मान्यताएं हैं, इनके परे हमें जाना होगा और अपने ही अंदर उतरना होगा। पदार्थ के परे जाकर चेतना में वास्तविक सत्य का अनुभव करना होगा, तभी इस पूरे विश्व के अस्तित्व की वास्तविक अनुभूति हो सकती है। हम लोग बात करते हैं कि जो योग इस संपूर्ण विश्व के विषय में, संपूर्ण अस्तित्व के विषय में क्या मान्यता, क्या सिद्धांत देता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, उसके विषय में हम लोग आज बात करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे वह सांख्य पर आधारित होगा। तो सांख्य जो है वह 7th century BC बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या हुआ? क्राइस्ट के जन्म लेने से भी 700 साल पहले। कितने 100 साल पहले? 700 साल पहले एक कपिल मुनि हुए। कपिल मुनि ने सांख्य का दर्शन, सांख्य की एक व्यवस्था अस्तित्व के विषय में, कैसे यह संपूर्ण अस्तित्व बना है, उसके विषय में एक सांख्य दर्शन की संकल्पना की और उसका संपूर्ण विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। और मुख्य रूप से यह अपने आप में इसलिए विशिष्ट है क्योंकि जो उसके पहले न्याय और वैशेषिक दर्शन थे, एक न्याय दर्शन है और एक वैशेषिक दर्शन है। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन जो है, उन्होंने कई एक अस्तित्व के जो मूल घटक होते हैं उनमें कई एक मूल घटकों की संकल्पना उन्होंने की थी। तो इन्होंने, सांख्यवादियों ने सिर्फ दो मूल घटकों में, दो मूल वर्गों में उनको विभाजित कर दिया। एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। पुरुष क्या है? पुरुष है जागतिक चेतना। पुरुष क्या है? जागतिक चेतना। प्रकृति क्या है? प्रकृति है जो ऊर्जा है ना, रचनात्मक ऊर्जा जो कि संसार को उत्पन्न कर रही है, संसार का पालन पोषण कर रही है और उसका संचालन कर रही है, समय समय पर उसको व्यवस्थित कर रही है और आवश्यकता पड़ती है तो उसका विनाश भी करती है, उसको हम बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति क्या है? एक ऊर्जा है। पुरुष क्या है? एक तरह की जागतिक चेतना का भाव है। योग की जब उच्चतम अवस्था में आप जाते हैं तो आप इस जागतिक चेतना को अनुभव कर सकते हैं, है ना। प्रकृति का मतलब ये है कि जो यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है उसमें जो रचनात्मक ऊर्जा है, जो ऊर्जा इस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण, उत्पत्ति, संहार आदि दायित्व तो निभाती है। तो प्रकृति क्या है? ऊर्जा है। पुरुष क्या है? जागतिक चेतना है। पुरुष वो नहीं है, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। ये पुरुष का मतलब ये मत समझना कि ये वह पुरुष है जो पुरुष हम लोग बात करते हैं कि पुरुष ईश्वर जो है पुरुष रूप में, वह पुरुष ये पुरुष नहीं है। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है जो जागतिक चेतना है उसको हम कहते हैं पुरुष। क्या बोलते हैं? पुरुष। और प्रकृति क्या है? जो ऊर्जा है, प्रकृति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति
अगर पुरुष ना हो तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों मिलकर के ही जगत बना है। अगर पुरुष ना हो तो प्रकृति सृष्टि नहीं उत्पन्न कर सकती है ना। तो प्रकृति और पुरुष दोनों का होना बेहद आवश्यक है ना। तो जागरूकता और ऊर्जा, ठीक है, क्या है, जागरूकता और ऊर्जा, ये जो है ये दोनों मूल संघटक हैं। क्या है, मूल संघटक हैं अस्तित्व के, ठीक है ना। अब योग यहां पर क्या कहता है, योग पुरुष के बजाय ईश्वर की बात करता है, बस इतना ही अंतर है। सांख्य और योग दर्शन में सिर्फ इतना अंतर है कि योग बात करता है पुरुष के बजाय ईश्वर की। वह कहता है कोई एक ईश्वर है जो सबका संचालक है ना। प्रकृति एक ऊर्जा है, ठीक है, प्रकृति एक ऊर्जा है ना, लेकिन वह पुरुष को जागतिक चेतना नहीं बल्कि उसको ईश्वर नाम देता है, बस इतना ही अंतर है। और बाकी पूरा जो सांख्य का सिस्टम है, सांख्य का जो पूरा क्लासिफिकेशन है प्रकृति के विषय में, वह योग ने जस का तस अपना लिया है। अब हम जरा बात करते हैं कि जो ये ऊर्जा है यह विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है। क्या होती है, विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है। ऊर्जा सिर्फ किसी एक रूप में नहीं है, ऊर्जा के कई कई रूप हैं। अच्छा, अगर आप जरा इस जो योग का यह विचार है, अगर आप इसको फिजिक्स में जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, रिलेटिविटी थियरी है ना, आइंस्टीन के द्वारा दी गई, तो उसमें इन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि पदार्थ और ऊर्जा ये एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी पदार्थ भी एक ऊर्जा है और ऊर्जा तो ऊर्जा है ही, है ना। यानी कहने का मतलब, अगर आप इसको और डीपली जाएं तो फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि जो यहाँ हमने प्रकृति को कहा, ऊर्जा कहा, और हमने कहा ऊर्जा से ही सब कुछ बना है, यहाँ तक कि आपका शरीर भी, यहाँ तक कि पंचतत्व भी, सब कुछ, आपकी बुद्धि, आपका मन, सब कुछ ऊर्जा से बना हुआ है, कुछ भी ऊर्जा से परे नहीं है, सब कुछ ऊर्जा के, ऊर्जा का ही रूप है। ऊर्जा का, ऊर्जा विभिन्न रूपों में बदलती है, और आपका जब अस्तित्व बनता है, आपका पूरा शरीर, मन, इन सब का, इन सब की संरचना बननी शुरू होती है, तो ये जो मूल ऊर्जा है प्रकृति है, वही विविध विविध रूपों में व्यक्त होती है। मन का निर्माण करती है, इंद्रियों का निर्माण करती है, तन्मात्राओं का निर्माण करती है, पंच महाभूतों का निर्माण करती है, अहंकार का निर्माण करती है, बुद्धि का निर्माण करती है, आपके पूरे अंतःकरण का निर्माण करती है। हम उसके विभिन्न जो अब डाइवर्सिफिकेशंस हैं, उसकी जो विविध आगे प्रकृति के और वर्गीकरण हैं, उसकी जो विविध रूप हैं, उनके विषय में अब हम लोग आगे बात। ऊर्जा कभी इस सृष्टि का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है ना, हमेशा। जिसको उन्होंने कहा कि वेदों में कहा गया उसको सत, है ना, तो सत का मतलब कि उसकी सत्ता है ना। ये जो हमारा अस्तित्व है उसकी सत्ता हमेशा मौजूद रहती है, ठीक है। जब अब इसमें बड़ी गहरी इसकी कल्पनाएं कहें, है ना, या वास्तविकता कहें, है ना, जो या इसकी सोच कहें, योग की, इस सांख्य की, इस विषय में बड़ी व्यापक है ना। तो वो ये कहते हैं कि जो हमारा ये प्रकृति है उसके तीन तरह के ब्रॉड, तीन तरह के व्यापक रूपों में वह अभिव्यक्त होती है, तीन कैटेगरीज में उसको आप बांट सकते हैं। एक, हाँ, प्रकृति को, है ना, तो एक है सत, हाँ, सत, सत, सतोगुण, जिसको हम बोलते हैं सतोगुण, है ना। तो प्रकृति के जो फिर आगे वर्गीकरण होते हैं, जो उसके विविध रूप बनते हैं, उनको हम तीन मुख्य वर्गों में रख सकते हैं। एक है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण,
तीसरा है तमोगुण, है ना। या तीन तरह के प्रकृति में तीन तरह के तत्व, तीन तरह के संघटक पाए जाते हैं। विशेष अन्य तरह की विशेषताओं को हम रजोगुण कहते हैं, कुछ अन्य विशेष तरह के को, तो सतोगुण कुछ विशेष तरह की विशेषताएं हैं, उनका समुच्चय है, उनका एक ग्रुप है, उनका एक समूह है। रजोगुण कुछ विशेष तरह की विशेषताएं हैं, उनका समुच्चय है। तमोगुण कुछ विशेष तरह की विशेषताएं हैं, उनका एक समुच्चय है। हम लोग जरा पहले सबसे पहले बात करते हैं ये सतोगुण क्या होता है ना। तो सतोगुण को हम कहते हैं, सतोगुण वह होता है जिसमें कि प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है, ठीक है। प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश का मतलब वहां ज्ञान होता है। प्रकाश का मतलब क्या हुआ? ज्ञान होता है। और क्या है सतोगुण का? सतोगुण स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिरता पाई जाती है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कई बार कि यह व्यक्ति सतोगुणी है, तो सतोगुणी हम लोग उसको कई बार कहते हैं कि जिस जो व्यक्ति स्थिर प्रकृति का व्यक्ति है। हाँ, तो हम लोग कई बार बात करते हैं कि भाई इनके अंदर तो बहुत सतोगुण आ गया है। सामान्य रूप से अपने सांस्कृतिक संदर्भों में भी हम लोग बात करते हैं ना इस तरह की, है ना। तो सतोगुण एक विशेष तरह का गुणों का समुच्चय है, हमने बताया। तो कौन से गुण उसमें होते हैं? ज्ञान होता है, स्फूर्ति होती है, प्रकाश होता है, स्थिरता होती है, चैतन्यता होती है। तो क्या हुआ? एक विशेष तरह की गुण सतोगुण है, ठीक है। रजोगुण क्या है? रजोगुण में चंचलता होती है। क्या होती है रजोगुण में? चंचलता होती है। रजोगुण का सबसे मुख्य फीचर, सबसे मुख्य विशेषता हम लोग कहते हैं कि चंचलता होती है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना आपस में बात करते हैं कि ये तो बहुत रजोगुणी है। रजोगुणी का मतलब, और कई बार ये भी कहते हैं कि बहुत राजसिक है। राजसिक मतलब बहुत सुविधा भोगी है, बहुत सारे संसाधन चाहिए इनको, बहुत सारा काम चाहिए इनको, नाम की यश की इच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम रजोगुणी कहते हैं। सतोगुणी हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। थोड़ा हम अभी आपको समझा रहे हैं कैसे आप सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण को समझें, है ना। फिर अभी इसके विषय में काफ़ी व्यापक बातें होंगी। सतोगुण हम उस सतोगुणी उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति को हम देखते हैं बहुत सजग रहता है, ज्ञानवान है ना, बड़ा ज्ञानी प्रकृति का है, है ना, और हर एक कार्य बड़े सजगतापूर्वक, है ना, सतर्क होकर करता है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर स्फूर्ति होती है तो उसको हम कहते हैं सतोगुणी। और तमोगुणी जो सोता रहता है, काम करने का जी ही नहीं चाहता, आलसी। तो आलस्य जो है जड़ता, जिसको हम बोलते हैं जड़ता। जड़ता का मतलब कई बार कुछ लोगों को कहते हैं, कई लोग ये तो जड़ है, महाजड़ है, इसे तो बात ही मत करो, बेमतलब इससे मत बहस करो, ये तो एकदम जड़ है, तमोगुणी, तामसिक। ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं ना, आपको अर्थ पता है, ऐसा नहीं है कि अर्थ पता नहीं है, अर्थ पता है, बस थोड़ा सा इसको समझना है। जड़ का मतलब है जिसके अंदर इनर्सिया हो। इनर्सिया का मतलब जैसे कहते हैं कि पेड़ पौधे जड़ है, ये भवन जड़ है। तो जड़ का मतलब क्या हुआ? ये इमूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकता, ये गतिमान नहीं हो सकता। ये अपने आप से गतिमान हो सकता है क्या? नहीं गतिमान हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं जड़, है ना। ये ऐसे ही हम लोग कई बार जब व्यक्तित्वों का क्लासिफिकेशन करते हैं योग के अनुसार, तो उसमें हम कहते हैं कि यह व्यक्ति सतोगुणी है, या व्यक्ति रजोगुणी है, या व्यक्ति तमोगुणी है। तो उसका आशय क्या होता है? उसका सतोगुणी का मतलब क्या हुआ? सतोगुणी का मतलब स्फूर्तिवान है, सजग है, सतर्क है। जैसे हम गाय को क्या कहते हैं कि गाय बड़ा सतोगुणी जानवर होता है ना, गाय बहुत सतोगुणी होती है। भैंस को हम क्या कहते हैं? तमोगुणी होती है। भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए, है ना।
अब भैंस को हम क्या मानते हैं, तमोगुण का, कि इसमें तमोगुण ज़्यादा होता है ना। तो ऐसे ही मनुष्यों में भी किसी में सतोगुण ज़्यादा होता है, किसी में रजोगुण ज़्यादा होता है, किसी में तमोगुण ज़्यादा। यानी कि अगर आप सतोगुण को बढ़ाएं, सतोगुण को आप बढ़ा भी सकते हैं, जो प्रकृति में विशेष तरह के सतोगुणी पदार्थ हैं, तो सतोगुण इस प्रकृति में बाहर भी है और आपके अंदर भी है। यानी संपूर्ण प्रकृति में सतोगुण भी है, जो यहाँ हम बात समझाना चाह रहे हैं, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। अब स्पष्ट हुआ, ठीक है ना। रजोगुण का आशय क्या होता है? रजोगुण का आशय ये होता है जो व्यक्ति बहुत चंचल होता है, जिसके अंदर ईर्ष्या की भावना होती है, ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या की भावना होती है ना, ठीक है। जो व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु होता है किसी के लिए, ठीक है, यश नाम पाने की बहुत इच्छा होती है। तो अब यहाँ एक बात और समझ लेनी होगी कि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सतोगुणी है उसके अंदर से एकदम रजोगुण खत्म हो गया है। ये अलग बात है, किसी में सतोगुण ज़्यादा होता है, रजोगुण कम होता है, तमोगुण उससे भी कम होता है, या तमोगुण बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा फिर रजोगुण होता है और थोड़ा सतोगुण होता है। किसी भी मनुष्य में तीनों गुण होते हैं। हाँ, ये अलग, मनुष्य में भी प्रकृति में भी है ना, सामान्य रूप से तीनों गुण होते हैं। तीनों गुण किसी भी क्रिया में काम करते हैं, सतोगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी। सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण अगर तीनों आपका आपके अंदर से, मान लीजिए आपके अंदर सिर्फ सतोगुण हो जाए तो आपको नींद ही नहीं आएगी। नींद क्यों आती है? नींद जो है वो तमोगुण आपके शरीर में जो होता है, जो तमस है ना, तम की विशेषता है आपके अस्तित्व में, वह नींद लाता है। अगर वह ना हो तो नींद नहीं आएगी। आपको जो इच्छाएं उठती हैं, खाना खाने की, कपड़ा पहनने की, ये रजोगुण ना हो तो इच्छाओं का संचरण ही नहीं हो, इच्छाएं ही नहीं उत्पन्न हो। तो इसमें जो भी पदार्थ हैं, जो भी चीज़ हमें अपने चारों तरफ दिखती है, वह इन्हीं तीन तरह के पदार्थ, इन्हीं तीन तरह के किसी में से, किन्हीं गुण में से। अब जो प्रकृति है, प्रकृति क्या होती है? प्रकृति होती है अचेतन। प्रकृति क्या हुआ है? अचेतन है ना। आप जो, आपको जो लग रहा है कि मैं तो चेतन हूँ, तो योग के अनुसार ये है कि जो आप महसूस कर रहे हैं कि आप मनुष्य हैं, है ना, या आप शरीर हैं, ये बाल हैं, है ना, या हाथ हैं, ये हैं, वो हैं, ये मन है, ये आपको गलत आभास हो रहा है, ठीक है। वास्तव में आप वो नहीं हैं, आप हैं मूलतः चेतना, और ये है प्रकृति। आपके जो आपकी मन है, आपकी बुद्धि है, आपकी इंद्रियां हैं, आपके पंच महाभूत हैं पूरे शरीर में, है ना। हम लोग बात करते हैं ना कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। किससे बना है? पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूत में कौन कौन से तत्व आते हैं, है ना। हम लोग, तुलसीदास जी ने कहा है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। तो हम लोग कहते हैं कि ये पांच जो तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, वो हमारे आसपास का, बगल का भगवान है, है ना। अब भगवान का आशय यहाँ ये मत निकाल लीजिएगा कि यही भगवान है। योग के अनुसार, जिस दर्शन, दार्शनिक परंपरा के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अनुसार भगवान इन सब से परे है और उसका ज्ञान हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की कि जो प्रकृति है वह तीन मुख्य गुणों में अभिव्यक्त होती है, तीन मुख्य गुणों के रूप में अभिव्यक्त होती है। एक गुण है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है
तमोगुण। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रकृति कैसे आगे अन्य रूपों में अभिव्यक्त होती है ना। तो हम लोग जो बात करते हैं कि प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न होता है महत। क्या उत्पन्न होता है? महत उत्पन्न होता है। महत का मतलब क्या हुआ? ये पूरे वैश्विक, जिसको हम बोलते हैं वैश्वानर, हम लोग अगर उसको आप उपनिषदों की भाषा में जाएं तो उसको हम कहते हैं वैश्वानर, या हम कहते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस, है ना। आपने पढ़ा होगा शायद कि एक इंटेलिजेंस हमारी अपनी होती है जिसको हम बोलते हैं वैयक्तिक बुद्धि, है ना, और एक होती है पूरे ब्रह्मांड की बुद्धि, वैश्विक बुद्धि, है ना। क्या होता है? वैश्विक बुद्धि, पूरे पूरे अस्तित्व की जो बुद्धि है, है ना। तो इनके अनुसार क्या है कि प्रकृति से सर्वप्रथम क्या उत्पन्न होता है? महत तत्व उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? महत तत्व उत्पन्न होता है, ठीक है। अब जब महत तत्व उत्पन्न हो जाता है तो महत तत्व के उत्पन्न होने के बाद में, ठीक है, सबसे पहले क्या उत्पन्न होगा? महत उत्पन्न होगा। और महत किसको हम बोलते हैं? महत पूरे इस विश्व की बुद्धि को बोलते हैं। तो आप कई बार उसमें, अब इसकी अनुभूति ये तो साधना का ही विषय हो सकता है, अब इसको कोई एक्सपेरिमेंट करके तो आप जान नहीं सकते। जिस तरह का एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी वाले करते हैं या फिजिक्स की लैब में किए जाते हैं, उन तरह के एक्सपेरिमेंट से आप अनुभव नहीं कर सकते महत का। महत है वैश्विक बुद्धि, है ना, ब्रह्मांडीय बुद्धि, ठीक है। तो अब जैसे आप पुराणों में कई बार पढ़ते हैं कि पृथ्वी माता दुखी हुई और दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गई, है ना, ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी वहाँ बैठे हुए थे और फिर उन्होंने कुछ और बात बताई। यहाँ कहने का मतलब ये विभिन्न रूपक हैं जो आप कई बार पुराणों में पढ़ते हैं, वह ये रूपक इसको रेखांकित करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा अस्तित्व बना है और कैसे ये अस्तित्व संचालित होता है। अब इसको हम लोगों के लिए थोड़ा सा बौद्धिक धरातल पर स्वीकार कर पाना कठिन है, और इसीलिए समझ पाना भी कठिन हो रहा, क्योंकि हमारी जो सोच है वो वैज्ञानिक सोच के कारण है ना। वैज्ञानिकता क्या कहती है? वैज्ञानिकता यह कहती है कि सूरज एक आग का गोला है, चंद्रमा क्या है? महज एक छोटा सा उपग्रह है। धरती क्या है? पत्थर, मिट्टी, पानी और बीच में अग्नि, इन्हीं से बना हुआ एक पिंड है, ठीक है। वे इसमें चेतना के अस्तित्व की बात नहीं स्वीकारते। अब दरअसल समस्या ये है कि चेतना के अस्तित्व की खोज उन्होंने की नहीं, तो ना स्वीकारना एक अच्छी बात है। जब तक आप जिस चीज़ की खोज ना कर लें तब तक उसको आप ना स्वीकारें, लेकिन जब तक आप खोज नहीं लेते हैं तब तक नकारे भी मत। धरती का भी अपना एक चैतन्य अस्तित्व हो सकता है, सूर्य का भी अपना एक चैतन्य अस्तित्व हो सकता है, चंद्रमा का भी अपना चैतन्य अस्तित्व हो सकता है, वो एक संभावना है। और ये बात कहीं ना कहीं जो योग के सिद्धांत हैं, है ना, ठीक है, वह कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित करने का, उसको लाने का, सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब इन सभी में एक तरह की ऊर्जा है। अब इन सब के पीछे ईश्वर है, और ईश्वर इन सबको, योग के अनुसार ईश्वर इन सबको, इन सब का जो है साक्षी है। क्या है? साक्षी है, और वही मूल रूप से
संचालक भी है। अगर वो अपनी डोर हटा ले, अपना नियंत्रण हटा ले, ठीक है, तो प्रकृति की ऊर्जा जो है इस उसमें चेतना समाप्त हो जाएगी। जैसे कि आप के अंदर प्राण वही रहता है, रक्त वही रहता है, लेकिन जब इस शरीर से प्राण, वो जो चेतना होती है, जो जिसको कहते हैं आत्मा जीवात्मा जो आप कहें, वह जब निकल जाती है तो लाख कोई भी प्रयास कर ले आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो सकता। हो सकता है सांस खींचेंगे? खींच सकते सोचेंगे आप कुछ? आप जिसको आप मानते हैं, जिसको आप मैं मानते हैं, वह कुछ सोच सकता है क्या? तो इसीलिए वह योग यह कहता है कि पुरुष या ईश्वर, ईश्वर कहें, योग पुरुष की बात नहीं करता, ईश्वर जो है उसका एक अंश आपके पास में होता है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना, और जो तुलसीदास जी ने कहा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना। हमारा जो मूल अस्तित्व है वह अविनाशी, वह कभी समाप्त नहीं।